माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? उम्मीद करती हूँ बेटा सब ठीक होंगे। तो बेटा आज की क्लास में हम सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा चलो शुरू करते हैं हम आज का काम, आओ मेरे साथ। तो बेटा आज हमारा रिवीजन वर्कशीट है ई की मात्रा। पहले बेटा आप अपना नाम लिखोगे, फिर डेट राइट करोगे। पढ़ो लिखो बेटा, पहले हमने मंच पढ़ के उत्तर देने हैं। पढ़ने के लिए हमें गद्यांश दिया जाएगा और उत्तर देने के लिए कुछ प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे। बेटा आपको गद्यांश बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। शुरू करते हैं। विधि उठ जा, दिन निकल आया, खटिया उठाकर रख, विपिन पिकनिक पर चला गया, नितिन गिटार बजाकर मन बहला, निखिल माचिस उठाकर आग जला, ललित गिलास भरकर जल लाया। ये था बेटा हमारा गद्यांश। अब प्रश्न उत्तर हैं। पिकनिक पर कौन गया? अपनी पिकनिक वाली लाइन देखो बेटा, ये रही। विपिन पिकनिक पर चला गया, तो पिकनिक पर कौन गया बेटा? विपिन। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? विपिन। अगर बेटा आप उत्तर वन वर्ड में दे रहे हो तो आपको वाक्य बंद नहीं करना। अगर आप लाइन में पूरी लाइन में उत्तर दे रहे हो तो आपने वाक्य जरूर बंद करना है। निखिल ने क्या उठाया? निखिल माचिस उठाकर आग जला। तो निखिल ने क्या उठाया बेटा? माचिस। बेटा नेक्स्ट, रिक्त स्थान भरो। डैश उठ जा, उठ जा वाली लाइन, विधि उठ जा। नितिन डैश बजाकर मन बहला। अब नितिन वाली लाइन देखोगे बेटा, फिर उसका उत्तर यहाँ पे लिखोगे। हमारा बेटा नेक्स्ट पार्ट साहित्य। दिए गए शब्द से मिलता जुलता शब्द लिखो। मींस बेटा हमने राइमिंग वर्ड लिखने हैं इनके मिलता जुलता शब्द। गिन का, गिन का दिन, फिर का सिर। नए शब्द बनाकर चित्र बनाओ। पहले बेटा हमने नए शब्द बनाने हैं, फिर उसी शब्द का हमने चित्र बनाना है। घी का नया शब्द क्या बनेगा? गिन। गिन बन सकता है बेटा, गिलास बन सकता है, लेकिन आप वही लिखोगे जिसका आपको चित्र बनाना आता हो। तो मैं यहाँ पे बेटा लिखूंगी गिलास। अब बेटा मैं गिलास का चित्र बनाऊंगी। इस प्रकार चीका, चिड़िया। अब बेटा चिड़िया का चित्र बनाऊंगी। व्याकरण, चित्र का नाम लिखकर वाक्य पूरा करो। बेटा कुछ चित्र दिए गए हैं, कुछ वाक्य अधूरे वाक्य दिए गए हैं, इन अधूरे वाक्य को चित्रों की मदद से आपने पूरे करना है। विपिन डैश पर किताब, डैश निकल आया दिन, रमा डैश भरकर जल लाई गिलास। ठीक है, अब वाक्य बनाओ। कोई तीन बेटा, कोई तीन मीन्स बेटा आपने सिर्फ तीन शब्दों के ही वाक्य बनाने हैं, जैसे दिन, हिरन, गिटार, पहिया, किसान। आपने इसमें से कोई भी तीन शब्द चूज करने हैं, फिर उसके वाक्य बनाने हैं। हमारा बेटा नेक्स्ट सुनो और लिखो। ये बेटा डिक्टेशन वर्ड्स हैं, श्रुतलेख हैं। मैं अभी आपको मैंने ग्रुप में भेजे हैं, सिर्फ वही लिखने हैं, बाहर से कोई नहीं लिखना। था बेटा आज का काम। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको समझ में आया होगा। नई कक्षा में बेटा फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेटा बाय। आपका दिन शुभ रहे।